हेलो फ्रेंड्स, फैटिक टू एक्टिव चैनल में यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज की हमारी स्पेशल डिश किडनी बीन्स या राजमा बीन राजमा से मिलके बनी है, जो दो स्टाइल में है। इसे मैक्सिकन बीन पैटीज कहते हैं और इसके लिए मैंने बॉइल्ड राजमा एंड ओट्स लिए हैं रोल्ड वाले, और मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, धनिया लिया है, प्याज लिया है, कैरेट लिया है और हरा प्याज लिया है, ग्रीन चिलीज लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। सबसे पहले हम रोल्ड ओट्स को रोस्ट कर लेते हैं फ्राई पैन में। अब इसे मैं निकाल देती हूँ जब हल्के लाल हो जाएं तब। और अब मुझे फ्राई पैन पे मैं ले लूँगी 1 स्पून ऑयल, साथ में मैं इसमें जीरा हल्का सा सौटे कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें ग्रीन चिली और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं डाल देती हूँ 1 अनियन बारीक कटा हुआ, और मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई कैरेट्स। इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन अनियन के ग्रीन लीव्स मैंने यूज किए हैं। हम जितना कलर्स ज्यादा यूज करते हैं अपने डिशेस में, उतना ज्यादा हमारी डिश ज्यादा हेल्दी होती है। मैंने इसमें 1 स्पून धनिया पाउडर, फिर मैंने जीरा पाउडर, 1 स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 स्पून सॉल्ट डाला है, और मैं साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच आमचूर, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं इन सब्जियों को। और साथ में येलो कलर के लिए मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ, जो कि बॉईल करके रखा हुआ है। बॉईल्ड यूज करें जो कि अच्छा कंफर्टेबल होगा। और अब इसमें मसाले मिक्स कर देते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं अपने बॉईल्ड राजमा। राजमा को अच्छी ज्यादा सीटी डाल के बॉईल करें, जिससे ये अच्छी तरीके से गल जाए और ये सारे मसालों को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लें। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें रोल्ड ओट्स डाल रही हूँ, जो कि मैंने रोस्ट करके रखे थे। जब सारे कलर्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, और तो हम इसे अच्छे मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए ट्राई करते हैं। और मैंने 1 बाउल इसमें पनीर लिया है। फर्स्ट टाइम बीन पैटीज बनाने के लिए मैंने हाफ यूज किया है, साथ में मैं बहुत सारा धनिया यूज कर रही हूँ, और ऊपर से हरा प्याज लगाएंगे, और ऊपर से चाट मसाला डाल देते हैं और चटपटा करने के लिए। चलिए इसे हाथ से मिक्स करते हैं। आप मिक्सी इसके लिए ना यूज करें और हाथ से करें, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें पनीर है, राजमा है, जो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। मैंने इसके लिए बड़ी बड़ी पैटीज बना रही हूँ, जो कि बर्गर्स के लिए या सब्वे में देखने में ज्यादा अच्छी दिखती हैं, और टेस्ट वाइज तो अच्छी है, और इसके अलावा हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसमें ना आलू है, ना कोई फैटी चीज है, और ये बहुत टेस्टी है। चलिए अब हम लोग अभी अपने तवे पे को ग्रीस करके इसके ऊपर अपनी पैटीज को लगा देते हैं। आप इसके लिए नॉनस्टिक तवा यूज करेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसमें ऑयल आपका कम एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा हेल्दी चीज बनेगी। ऊपर से ढक पलटने के लिए मैंने इस पे हल्का सा ऑयल और लगाया है, जिससे हमारा चिपके ना बस। ये देखिए कलर अच्छा आ गया है, और ये बनके रेडी हो गई। बड़ी बड़ी हमारी मैक्सिकन बीन पैटीज, जो कि बहुत हेल्दी हैं, हमारी रेडी है। इसमें मैंने पनीर यूज किया है, और ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। मेरा सेकेंड स्टाइल पैटीज के लिए मैं जो आधा मेरा अभी मिक्स बचा हुआ था, इसे मैं मिक्सी में डालूंगी और धनिया डालूंगी, और मैं इसमें पनीर की जगह मैं यूज करूंगी 1 कप बॉइल्ड राइस। ये हमारा स्टाइल है वेगन्स के लिए, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते, इसलिए उनको हम लोग पनीर की जगह यदि राइस करके उसे कर लें, और राइस डाला है इसलिए मिक्सी में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से मिक्सअप होना चाहिए, जो मुंह में ना आए। तो मैंने इसे एक ही बार मिक्सी में किया है, जिससे कि हल्का खड़ा खड़ा टेस्ट भी आए मसालों का। और ये हो गए हमारे पैटीज बनके फ्राई पैन पे लगाने के लिए। चलिए अभी इसे पलट देते हैं हल्का सा ऑयल लगा के, और ये पूरे ब्राउन बढ़िया शेप के हो गए हैं। ये हमारे नेक्स्ट स्टाइल पैटीज भी बनके रेडी हैं। ये बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। राजमा रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और बहुत अच्छा है ये वीगन्स के लिए एंड वेजिटेरियंस के लिए। हमारी डिश रेडी है, रेडी टू ईट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।